सभी भाइयों की जान सलमान भाई जान के टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि पहले टीजर आया था उसमें हमें पता चल गया था कि एक्शन किस लेवल का होने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि इतने अच्छे लेवल का होने वाला है। वैसे भी हमें पता है कि ये स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है तो देश के लिए स्टोरी तो होगी सही, लेकिन इस बार देश के लिए ना होकर ये थोड़ी पर्सनल भी हो जाती है, जहाँ पर अपने लीड रोल में सलमान खान को ये प्रूव करना है कि वो देश के लिए लॉयल हैं, ईमानदार हैं, यूं कहें देशभक्त हैं, और अपनी फैमिली को तो बचाना ही है। हालांकि यह पिछली कई मूवी में हो चुका है, लेकिन सलमान भाई जान की मूवी है तो ये एक अलग लेवल से हो जाता है, और कुछ नए अंदाज में इसको प्रेजेंट करने का तरीका है। खैर, ऐसा नहीं है कि पिछले मूवी बन चुकी है इस टॉपिक के ऊपर तो ये मूवी पिट जाएगी, बिल्कुल नहीं पिटेगी, सुपर हिट ब्लॉकबास्टर या यूँ कहें कि उससे भी ऊपर जाएगी। लेकिन इन्होंने इसे रिलीज़ करने का दिन कुछ नया ही चुन लिया है, संडे, ना फ्राइडे, ना सैटरडे, ना मंडे, संडे, दिवाली के दिन। सभी दिवाली के कामों में लगे हुए होंगे वैसे, लेकिन फिर भी संडे के दिन मूवी रिलीज़ की जाएगी। इससे पासा उल्टा वगैरह तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी यूँ देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके जाएगी, क्योंकि संडे के दिन लोग वैसे भी ज़्यादातर फ्री तो होते ही हैं, लेकिन दिवाली है तो दिवाली के दिन फ्री नहीं रहेंगे, फिर भी इस मूवी को देखने ज़रूर जाएंगे। और हाँ, ट्रेलर के अंदर जो आई नीड योर हेल्प ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो यहाँ पर और किसी का नहीं बल्कि वह SRK का कैमियो के लिए बुलाना है, या यूँ कहे कि। और हाँ, SRK का कैमियो छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि 15-20 मिनट की एक लंबी चौड़ी फाइट चलेगी। और फाइट से याद आया, आखिर कैटरीना कैफ की जो बिना कपड़ों वाली फ़ाइट है वो देखने में ट्रेलर में काफ़ी कूल लगी, ऑडियंस की अटेंशन तो बिल्कुल उस फाइट ने खींच ही ली, लोगों का दिल आ गया उसके ऊपर कि कैसे इसे शूट किया होगा और कितने दिन तक इसकी प्रैक्टिस चली होगी। कपड़ा फाड़ फाइट या यूँ कहे कपड़ा खोल फाइट काफ़ी कूल लग रही थी देखने में। बाकी खैर, और भी फाइट है इसके अंदर जो कि नेक्स्ट लेवल की है, ब्रिज गिराना, बॉम फोड़ना, या यूँ कहें कि इसमें जो मेन रोल में है विलन के तौर पे इमरान हाशमी, उनका लुक एकदम से खतरनाक किलर लुक बनाया गया है। ऐसा दाढ़ी मूछ में उनको कभी पहले देखा नहीं होगा आपने, और हाँ मैंने भी नहीं देखा था, पहली बार ही देखने को मिल रहा है, लेकिन बंदे में दम है, एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त करता है तो इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त करके जाएगा। वैसे भी सलमान भाई जान की मूवी है, विलन चाहे कमज़ोर हो या पावरफुल हो क्या फ़र्क पड़ता है, आराम से उड़ा देंगे उसको। लेकिन आराम कितना हराम हो जाता है वो आप इस बात से सोच सकते हैं कि फैमिली के ऊपर बात आ जाती है, एक तरफ देश की भी बात है, दोनों में से क्या चुनेगा। और अपने सलमान भाई जान तो है ही मास्टर लेवल, एकदम मल्टीटास्कर, वो दोनों को एक साथ चुनेंगे जहाँ पर उनकी पुरानी टीम तो आ ही जाएगी। बाकी नई टीम SRK या यूँ कहें कि ऋतिक रोशन भी अपने स्पाई यूनिवर्स के पार्ट है तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि मूवी तो लगभग तीनों की एक जैसी ही है, देश को बचाने के लिए, और एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, एक ही तरह की स्पाई एजेंसी से निकले हुए बागी लोग हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर मुझे कोई शक नहीं है। वैसे आ सकते हैं इसमें, कैमियो कर सकते हैं, लेकिन खासकर SRK का कैमियो तो ज़रूर होने वाला है। बाकी ऋतिक रोशन का कैमियो होगा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन इसमें लड़ाई दंगा एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी तगड़े रखे गए हैं, ट्रेलर एकदम से दिल जीत लेता है, क्योंकि दिल जीतने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्शन होगा तो भी काम चल जाएगा, और इसमें तो काफ़ी अच्छा लेवल से एक्शन रखा गया है, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। हम यूँ कहते हैं कि इंडियन बॉलीवुड काफ़ी बुरी बुरी मूवी बनाता है, लेकिन स्पाई यूनिवर्स के आगे वो बात फीकी पड़ जाती है, क्योंकि इसकी एक भी मूवी अभी तक पीटी नहीं है। और बात करें कि वो मूवी चलती क्यों है, तो इसीलिए चलती है कि एक तो एक्टर नेक्स्ट लेवल का लेते हैं, एकदम से सुपरस्टार मल्टीटास्कर, उसके बाद फिर एक्टिंग ज़बरदस्त होती है, स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से रखी जाती है, और स्टोरी टेलिंग हमने पहले भी देखी है स्पाई यूनिवर्स की, काफ़ी अच्छी तरीके से रखी जाती है। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस ट्रेलर को देख के ख़त्म करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।